हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जेई मेन का पेपर जो 24 जून 2022 को हुआ था। इसके 12 क्वेश्चन हमने अभी अपलोड किए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी मीन्स म्यू आर इज इक्वल टू 1.61 एंड रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 6.44। ठीक, ये दे रखा है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच लिखते हैं और एच इज इक्वल टू दे रखा है 4.5 इंटू 10^-2 एम्पियर पर मीटर। ठीक, एट ए पॉइंट व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट गिवेन। दे रखा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये दे रखा है सी इज इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इज इक्वल टू V×B होता है। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वी होता है स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, जो स्पीड ऑफ द वेव होती है वो सी अपॉन अंडर रूट का म्यू आर, ठीक, एप्सिलॉन आर होती है, म्यू आर एप्सिलॉन आर। और बी जो होता है हमारा वो होता है म्यू नॉट म्यू आर एच। ठीक, ये फार्मूले याद करिए बच्चों, फार्मूला मतलब फिजिक्स होता है। आप यहाँ से देखो स्टूडेंट, थोड़ा चेंज कर लो और देखो वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी। ई इज इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा, यहाँ से ध्यान दो स्टूडेंट, ये म्यू आर इस रूट के अंदर कर दो तो ऊपर चला जाएगा, म्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 μr कैंसिल हो जाएगा, बाहर बचेगा म्यू नॉट एच, ठीक, और बचेगा सी, यहाँ सी ऊपर है, म्यू नॉट बचेगा और एच बचेगा, तीनों बचेंगे, और अंडर रूट में आ जाएगा म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर, म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। आप चाहें तो इस फार्मूले को भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इस फार्मूले से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। आप यहाँ वैल्यू रख दो स्टूडेंट, म्यू नॉट दे रखा है 4π 10^-7 एच दे रखा है 4.5 10^-2 सी दे रखा है यहाँ देखो 3×10^8 ठीक, और अंडर रूट में दे रखा है म्यू आर दे रखा है 1.61/6.44। ठीक, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 1/4 आ जाएगा रूट का, और इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। आप खुद सॉल्व करिए, इसका 4 times है तो इसके पूरी के वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और ये हो गया हमारा 4×3.14×4.5×3×10^ यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हो गया पावर 2, इधर हुए 7, दोनों माइनस का है तो -9 हो गया, प्लस का 8 तो -1 आ गया,
और इसकी वैल्यू आ गई 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ठीक। यानी e इज इक्वल टू हो गया, इनका मल्टीप्लाई करने पर देखो स्टूडेंट 3, 3 2 जा 6, 4.5, 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 84.78 इंटू 10^-1 इतना आ रहा है वोल्ट पर मीटर, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट ये पावर हटा दो तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.478 वोल्ट पर मीटर, ठीक। अब देखो स्टूडेंट हमारा कौन सा आंसर इससे मैच हो रहा, तो इससे मैच हमारा सी ऑप्शन हो रहा, देखिए 8.48 दिया हुआ है तो ये अप्रॉक्सीमेट में 8.48 है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, सी पर आप ट्रिक लगाएंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी है इसके इक्वल, यानी हमारा जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, साथ ही फार्मूला लर्न करिए, फिजिक्स मीन्स फार्मूला। ओके।